come back or uh... सर्दियों में एक मसला सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा होता है स्किन के हवाले से लोग बड़े परेशान होते हैं कभी किसी को कुछ हो रहा है कभी किसी को कुछ हो रहा है और इवेंचुअली हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्यों हो रहा है इसको डील किस तरह से करना चाहिए किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो कुछ ऐसे सवालत हैं जो शायद आज क्लियर हो जाएंगे आप लोगों की प्रॉब्लम्स कुछ हद तक सॉल्व हो जाएंगी हमारे साथ एक बेहतरीन डर्माटोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो जिनके से हम स्किन के हवाले से बात करेंगे तो आइए वेलकम करते हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर आमना थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और सबसे बड़ा इशू विंटर्स में आता है स्किन को लेकर मुख्तल किस्म की चीज़ें आ रही होती हैं हम हर दफ़ा कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं मैं यहाँ चाहूँगी थोड़ा सा हम स्किन डिजीज़ के हवाले से भी बात करें क्योंकि आप अगर कोई एज भी देखें बच्चा हो बड़ा हो या बूढ़ा हो सब में एज फैक्टर के हवाले से कुछ ना कुछ ऐसी डिजीज़ेस नुमाया नज़र आ रही होती है स्किन को लेकर और खास तौर पे जब आपके वो जो एक्सप्लोर करने वाले जो फेसेस होते हैं हाथ होते हैं वो ज़्यादा टेंशन देते हैं कि जी सामने से हैं नज़र आ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें स्किन डिज़ीज़ के बारे में बताइएगा जी आपने बहुत अच्छा यहाँ पर एक चीज़ स्टार्ट की है क्योंकि स्किन जो सी है वो एक जनरली हर एक स्किन ड्राई हो जाती है उस पर right. हम बात भी करते रहते हैं कि वी शुड मॉइस्चराइज इट लेकिन देर आर मेनी स्किन डिजीजेस मुख्तफ किस्म के डिजीजेस हैं जो विंटर में एग्रेवेट हो जाते अच्छा और जिस तरह आपने मेंशन किया बच्चे हैं आ, फिर हमारी खातन हैं बुजुर्ग hmm. हैं अगर हम इसी तरह कैटेगराइज कर लें कि इस कौन सी स्किन डिजीज़ हैं जो ज़्यादा हो जाती हैं उसमें एक तो एग्जामा सोराइसिस आर्टिकेरिया इस तरह की स्किन कंडीशंस हैं जो कि इस तरह की स्किन कंडीशंस हैं जो कि एग्रेवेट हो रही होती हैं अब अगर हम ऐज के लिहाज से जिस तरह आपने कहा कि बच्चे क्योंकि वैसे उनकी स्किन बहुत नाजुक होती बिल्कुल। है ठीक है और उनमें एक ख़ास किस्म का एग्जाम होता है Uh, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि एक्जिमा होता क्या है बिल्कुल हाँ. एक्जिमा में जो सा है स्किन आपकी uh, ड्राई होना शुरू हो जाती है उसमें फ्लेक्स आना शुरू हो जाते हैं बाजों का कट्स आना शुरू हो जाते हैं कुछ इस तरह का भी होता है रिंग गार्ड्स बनना शुरू हो जाते uh, हैं कुछ इस तरह की पैचेज होते हैं जो बच्चों को इचिंग कर रहे हैं पूरी स्किन के ऊपर डिफरेंट पैचेस रेडनेस आती है बारिश हो रही होती है क्या विंटर्स की वजह से होते हैं या वो वो स्किन डिजीज होती है जो की प्रेवलेंट है बच्चों में अच्छा ठीक है अब सर्दियों में क्या हो रहा होता है जाहिर है कोल्ड एयर है प्लस uh, जो सा है हीटिंग ऑन हुई होती है जिससे ड्राइनेस हो रही होती और है मॉइस्चराइज भी हम प्रॉपरली नहीं कर रहे मॉइस्चराइज भी प्रॉपरली uh, बच्चों को तो ममूमन कर रही होती हैं माएँ बहुत ज़्यादा तोज्जो दे रही होती है लेकिन एक और चीज़ होती है ऊनी कपड़े पहनाए है होते हैं हाँ। ठीक है ऊनी कपड़े नायलॉन के ज़ाहिर है सर्दी ज्यादा तो होती है तो इस टाइप के कपड़े पहनाए होते हैं तो उसमें जो सा है जब वो ऊनी कपड़ों से जो सा है कॉन्टेक्ट होता है उसकी वजह से भी ये चीज़ें एग्रीवेट हो रही होती हैं तो उसमें फिर अक्सर हम फिर माओ को समझाते हैं कि आपने जो अंडर क्लोथ्स होना चाहिए जो आपकी स्किन के साथ कॉन्टैक्ट हो दैट शुड बी ऑफ प्योर कॉटन अच्छा ठीक है तो उसमें फिर ये है कि इस तरह की चीजें कंट्रोल में रहती है मॉइस्चराइज़ तो स्किन को करना ही है लेकिन अगर ये एग्जामा क्योंकि एग्जामा है तो फिर उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना जरूरी है एलर्जीज ठीक, ठीक, ठीक। ठीक होती ठीक नहीं नहीं है उनसे भी इस तरह की चीजें एग्रीवेट हो जाती है समटाइम्स ये टॉपिक एग्जामा के साथ डिफरेंट एलर्जीज होती है अच्छा एस्तमा भी होता है बच्चों में ठीक है और फिर फूड से भी कुछ फूड्स होती है एग से हो गया की से। वो फिर वो फिर हम फाइंड आउट करना पड़ता है आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसको फिर हम आ, कम से कम या बंद करवा देते हैं अच्छा फिर अगर हम आगे बात करें कि जैसे कि खातन हमारी एक मेजर पोर्शन है, <laughs> और सर्दियों में जाहिर है काम भी कर रही हैं और सब कुछ उन, उनके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनमें हैंड एग्जमा Hmm. वो बहुत ज्यादा पानी, का इस्तेमाल, पानी का, का इस्तेमाल ज्यादा हो गया ओके okay. डिटर्जेंट यूज कर रही है True. ठीक है और फिर वो अपना ख्याल नहीं रखती है।, है सही तो उनमें जो है ना एक मैसेज जो बड़ा लाउड होना चाहिए कि दे शुड यूज ग्लव्स ओके okay. ग्लव्स के बगैर नहीं वो कोई भी पानी वाला काम डिटर्जेंट वाला काम करें क्योंकि अगर वो एंड नॉर्मली जो देखने में आता है पेशेंट आते हैं हमने ठीक करके भेज दिया फिर वन मंथ के बाद आगे वो दोबारा से रिकरेंस बिकॉज प्रकॉशन precaution. Okay. Precaution लेना बहुत जरूरी है सही. तो फिर उनको प्रॉपरली हमें समझाना पड़ता है की ग्लव्स यूज करें ग्लव्स के बगैर कोई ऐसा काम ना करें और जाहिर है बाकी वही मॉइस्चराइजर तो वो तो एक आपका बेसिक स्टेप है ना एंड इफ नीडेड तो फिर उसके बाद हमें अब हम तीसरा ग्रुप डिस्कस करते हैं जैसे आपने बताया बुजुर्ग बुजुर्ग बिल्कुल ठीक है वो बड़ा है क्योंकि हर घर में बुजुर्ग होते हैं और उनकी स्किन सर्दियों में बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है सही। अब उनमें जो एग्जामा है उसको कहते हैं अच्छा, का एक्षेमा. ओके और उसमें नॉर्मली पैचेस नहीं आते लेकिन वो कम्प्लेन क्या करते हैं कि खारिश हो रही है अच्छा ठीक है कि बहुत ज्यादा खारिश होती है और वो उन्होंने कोई चीज़ रखी होती है जिससे वो वो फिर फिर खारिश करना शुरू हाँ, कर देते हैं और exactly. वो फिर एग्रेवेट होती जाती है अच्छा. ठीक है ठीक तो उनमें जो एक्चुअली जैसे जैसे हमारी एज ज्यादा होती जाती है तो हमारी स्किन पतली होती जाती है okay. प्लस उसमें जो मॉइस्चराइज जो, <coughs> <मौस्टराइज>, जो <coughs> नेचुरली स्किन को मॉइस्चराइज <coughs> रहे होते हैं वो भी कम होते जाते हैं ये सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से आ, उनकी स्किन ज्यादा ड्राई अच्छा अक्सर बुजुर्गों में मैंने ये चीज़ बड़ी देखी है मोस्टली अगर पाँव हैं तो उनका कलर फेड हो जाता है अगर हेयर ग्रोथ होती है तो वो बिल्कुल प्लेन हो जाती है पैचेस पड़ जाते हैं क्योंकि एज के साथ साथ है ना सारा तो वही उसी चीज़ का एक वो पार्ट है बिल्कुल एज के साथ साथ आपके सारे ग्लैंड सारा कुछ आपका रिड्यूज होना शुरू है अच्छा और उसी का फिर ये पार्ट होता है कि ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है और उसके लिए फिर उसका मेन स्टेप तो यही है कि जाहिर है एक तो वही बहुत हॉट बात नहीं लेने वार्म अच्छा। वार्म बात लें ठीक है प्लस उसके बाद फौरन जब आप आ, आ, बात लेते हैं उसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लें उसी अच्छा। वक्त हल्का सा ड्राई करके उसको मॉइस्चराइज करें तो वो मॉइस्चराइज जो वो जो थोड़ा सा मॉइस्चर वैसे भी होता है पानी की वजह से तो वो फिर बहुत अच्छी एक लेयर सी आ जाती है फिर okay. जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ओके। okay. और प्लस अगर अलाना करें ज्यादा हो जाए तो फिर उनको देनी हैं। हाँ। लेकिन बेसिक स्टेप यही है कि आप अपने फिर exactly. hmm. आजकल यूरिया वाले अक्सर कंपाउंड्स आते हैं right. जो कि मतलब दे आर नॉट वो समझ लें कि स्किन के लिए कोई नुकसानदेह नहीं होते तो इस तरह के मॉइस्टराइजर को यूज़ करना चाहिए। अच्छा एक और चीज मैं थोड़ा सा बैक आके वापस बच्चों की तरफ एक चीज पूछना चाहूंगी अक्सर बच्चे और उसका जो वो कर रहे होते हैं मेरे ख्याल से एसिडिटी थोड़ी सी उनकी बॉडी में बढ़ चुकी होती है ऐसा तो नहीं है कि वो जो डिटर, डिटर्जेंट्स हम लोग यूज कर रहे होते हैं बच्चों के कपड़ों पे स्पेशली वो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं और उन्हीं की वजह से उनकी बॉडी पे एलर्जी शुरू होती है ये भी कॉज होता है अच्छा हम बच्चों को मतलब माओ को समझाते हैं कि बिल्कुल माइल्ड वाले डिटर्जेंट एग्जैक्टली जो उनके बिल्कुल अलग से हैं अलग से जो सॉफ्ट वाले आर होते See. हैं वो यूज करें प्लस hmm. अंदर से आयरन करें क्लोथ्स को अच्छा दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस के अंदर से आप क्लोथ्स को आयरन करके अक्सर बच्चों में बड़ी ये शिकायत होती है और आ, मैंने सुना यही है कि वो एसिडिक हुई हुई होती है उनकी बॉडी और वो कपड़े पहनने की वजह से और कपड़ों का फिर अगर आप दोबारा कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस जैसे एक और एक्जिमा होता है जिसको कॉन्टेक्ट एक्जिमा कहते हैं हाँ, डर्मेटाइटिस कहते हैं जिसमें जो इस तरह की चीजों से वो एग्रेवेट जाता है और प्लस मॉइस्चराइज करें हर दफा बात देने के बाद दिन में दो तीन मरतबा सिंपल जो घर की चीजें हैं छोटी मोटी चीजें हैं जिसका हमने अगर ख्याल कर लिया तो शायद इस तरह की चीजें हमें वो फेस ही नहीं करनी पड़े Exactly. Exactly. अच्छा चिल चिल्बल के नाम से भी एक प्रॉब्लम होती है वो भी अक्सर सर्दियों में देखी जाती है पहले तो वो बताया वो होती क्या है और किस तरह से फिर उसे डील करना आप चाहिए आपने बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन किया है सर्दियों के लिहाज से क्योंकि चिल चिल्बल के पेशेंट्स अमूमन दिसंबर जनवरी फ़रवरी इन तीन महीनों में बहुत ज़्यादा देखने में आता है उनमें होता क्या है कि नॉर्मली ये हाथों पैरों की स्किन जो है सर्दी की वजह से क्योंकि वो एक्सपोज होती है पाँव पे भी अक्सर लोग सॉक्स नहीं पहन रहे होते हाथ तो वैसे ही एक्सपोज होते हैं तो उसकी वजह से सर्कुलेशन का थोड़ा सा इशू होता है फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है और इसमें जो सा है हाथ सूजना शुरू हो जाते हैं स्वेलिंग अच्छा। होना शुरू हो जाती है बाजत वहाँ पर रेड कलर के निशान से आना शुरू इसी तरह पैरों में भी निशान आना शुरू जाता है और ख़ारिश बहुत ज्यादा होती है अब उसमें होता क्या है कि जब हम जब पेशेंट या जो कोई भी किसी को ये स्टार्ट हुआ उसने सॉक्स पहनना शुरू हुई तो इचिंग बढ़ जाएगी अच्छा फिर वो करते क्या है कि वो ठंडा रखना शुरू कर देते हैं तो जैसे जैसे उन्होंने उसको मजीद ठंडा किया तो वो मसला उनका ठीक होने की बजाय बढ़ता चला गया तो किस तरह से फिर उसे हम कम कर सकते मैं पेशेंट्स को अक्सर ये समझाती हूँ कि इसको एक दफा तो मैंने ठीक करना है लेकिन अगली सर्दियों में आपने इसको होने नहीं देना होने नहीं देना क्योंकि है। ये इम्पोर्टेंट है इसमें अगर आप प्रिवेंशन ख्याल रखना सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर आप इसमें प्रिवेंशन कर लें दो दो तीन तीन सॉक्स पहनना शुरू कर दें पाओं गर्म रखें मसाज करके क्योंकि पाओं बिल्कुल कुछ लोगों के बहुत ठंडे रहते हैं तो उसमें मेरा आप, हाल यही है हाँ। जितना भी मैं बॉडी में टेम्परेचर मेरा नॉर्मल होता है मेरे हाथ और मेरे पाँव बर्फ हो रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप उसको मसाज करके right. थोड़ा सा रब करके उसको आप सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती थी, है प्लस सॉक्स पहने इनको आप उस नौबत तक आने मत आने ही ना दें क्योंकि एक दफ़ा जब वो हो। स्टार्ट होते हैं उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है बाजू का इतना ज़्यादा इन्फेक्शन होता है कि फिर ऑब्वियसली हमें फिर एंटीबायोटिक्स और इस तरह की अच्छा के नीचे अक्सर वाटर बैग्स बन जाते हैं वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम सामने नज़र आता है तो वो उसकी क्या वजह है उसमें जो सा है एजिंग अच्छा एजिंग है हाँ बेसिकली तो एजिंग का प्रोसेस जैसे जैसे ट्वेंटी फाइव थर्टी ईयर्स के बाद स्टार्ट होना शुरू अच्छा। हो जाता है और उसमें जो उनसे डिफरेंट सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और आई बैग इज़ वन ऑफ द साइन ऑफ़ एजिंग वो फिर फोर्टी फिफ्टी के बाद आस्ता आस्ता बढ़ते रहते हैं क्योंकि लेगामेंट्स होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं वो आस्ता आस्ता वीक हो रहे होते हैं तो उसमें फिर जो सा है इस, इसलिए वाटर बैग्स आ जाते हैं सही है। अच्छा स्किन की और कौन सी ऐसी चीज़ें होती है क्योंकि सर्दियों में एक तो हमारी हमारी वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कम होती है हमारा जो खाना पीना है वो भी बड़ा मुख्तलिफ हुआ हुआ होता है बिकॉज हम मोस्टली वो फेश और इस तरह की फ्राइड आइटम्स ये मोस्टली खा रहे होते हैं तो उससे भी मुझे लगता है कि हमारी स्किन

कंज्यूम करने हैं प्लस बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जो कि बहुत अच्छी हैं और जो विंटर के लिए हैं ठीक है हाँ। तो आप अगर बैलेंस तरीके से बैलेंस डाइट लेंगे तो फिर होपफुली क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज नट्स भी इसी मौसम में आने हैं right. ड्राई जो फ्रूट्स हैं वो रसों वाले वही वाली बात है है हर सीजन की एक अपनी खासियत है। उस हिसाब है। से अगर आप अगर आप थोड़ा सा सोचें कि अल्लाह ताला ने हर चीज को बैलेंस तरीके से बनाया लेकिन हाँ। अगर हम बैलेंस तरीके से नहीं ले रहे नहीं तो फिर ले वो फॉल्ट पे आ आज ये बात तो है वो बैलेंस तरीके से लेना बहुत इंपॉर्टेंट एक्जेक्ट क्या आप जो उनसे अपना वाटर इंटेक भी प्रॉपर रखें आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स आपको पता है सारे रस वाले फ्रूट्स बिल्कुल ठीक है ऑरेंज हो गया आप ऑरेंज लें फिर आप ड्राई फ्रूट्स भी लें बिकॉज दे आर वेरी गुड फॉर स्किन ठीक है लेकिन हर चीज़ आप बैलेंसड अमाउंट में लें बैलेंस डेट इज इम्पॉर्टेंट सही और वही बेसिक जो आपने बात बताई कि बेसिकली स्किन का ख्याल रखना उसको मॉइस्चराइज करना वो आपको हर डिज़ीज से जो है वो बचा सकता है चाहे बच्चे हों बड़े हों या बूढ़े हो. बिल्कुल ऐसी बात है क्योंकि प्रिवेंशन अगर हम कर लेंगे एक्चुअली मसला यह है कि हम बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे होते हाँ, ना हम अपना ख्याल रख नहीं रहे होते exactly. जब तक वो प्रॉब्लम बढ़ जाती भर है बढ़ जाती फिर हम डॉक्टर के पास आते ही अच्छा अक्सर तो, आजकल का तो फैशन और ट्रेंड भी यही चल रहा है कि डिफरेंट किस्म की हम लोग ट्रीटमेंट्स फेस पे करवा रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के हम अगर पार्लर भी चले जाएँ तो मुख्तलिफ़ किस्म के फेशल्स ले रहे होते हैं या अब तो आपको पता है जितनी भी ट्रीटमेंट्स आ गई है फलाना कुछ करवाना है तो फौरी जाके वो करवा लो उनसे भी इफ़ेक्ट पड़ता है स्किन पे देखिए ट्रीटमेंट्स जो से हैं देर डिफरेंट काइंड अच्छा और हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी को पॉइंट आउट करें कि ये गलत करें उससे थीक? पहले एक अपने डर्माटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें हाँ, ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा नहीं आप जो मैं ये कहूंगी कि जो प्रॉपर डॉक्टर है डर्माटोलॉजिस्ट है उससे ट्रीटमेंट करवाएं ये ना हो कि आप जैसे पार्लर में भी कोई ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है और मतलब दे आर कॉन्फिडेंट कि हम हाँ। ये कर देंगे तो फिर उस तरह आप फिर अपनी स्किन ख़राब भी कर सकते हैं तो और आप प्रॉपर किसी से प्रॉपर कंसल्टेशन करवा लें और फिर आप ट्रीटमेंट ले लें और अच्छे क्वालिफ़ाइड हैंड्स मिले बिल्कुल अच्छा जब अक्सर हम लोग नहाते हैं और हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बाल भी इफ़ेक्ट होते हैं उससे तो क्या वाकई ये बात सच है कि हम लोगों को किस तरह से इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो पानी की जो वार्म है वो कितनी होनी चाहिए बालों के लिए बिल्कुल जो गर्म पानी है बहुत तेज़ गर्म पानी वो डैमेजिंग होता है अच्छा ठीक है क्योंकि वो ड्राइनेस कर रहा होता है हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे बालों में जो एक कैरेटिन की लेयर होती है वो उसको डैमेज कर रहा okay. होता है तो ल्यूकॉम वाटर इज फाइन स्पेशली बाल धोने के लिए अगर आपको बॉडी पे मतलब जाहिर है इतनी तो के अंदर हाँ, तो। तो। मतलब आपसे बीमार नहीं होना लेकिन यह की आप ल्यूक वॉर्म वाटर और क्विक बात लें थीखे 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 हाँ, वो ये ना सोचे कि भाई गर्म पानी में बड़ा मजा हाँ, आ रहा है आप बात ले तो वो फिर आपकी बॉडी को तरह से ड्राई नहीं करेगा अच्छा और प्लस हाँ, फायदा पहुंचाती है exactly, वो तो मैंने जैसे पहले भी कि सिंपल ऑयल जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं कोकोनट ऑयल हो गया ऑलिव ऑयल हो गया तो आप नहाने के बाद रूटीन बना लें स्पेशली विंटर में समर में शायद आपको ज़रूरत ही नहीं है इस तरह hmm. से लेकिन विंटर में रूटीन में आप कुछ ना कुछ यूज़ कर सकते हैं अप्लाई कर लें बच्चों को ज़रूर अप्लाई करें सही खैर यही सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी आ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना एंड आई होप के जितने भी लोग इस वक्त देख रहे होंगे उनके ये प्रॉब्लम्स जो है उनको समझ में आए होंगे ज़्यादा हर घर में कोई ना कोई ऐसा इशू लाजमी होता है चाहे बच्चे हों खीन हों या फिर बड़े बूढ़े हों उनके साथ स्किन के कुछ ना कुछ मिसाप्स चलते रहते हैं तो आज काफ़ी हद तक चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो प्लीज़ अगर कुछ ऐसा मसला आपके किसी फैमिली मेम्बर में है तो कंसल्ट योर डर्माटोलॉजिस्ट और वो आपको सही एडवाइस देंगे और उसके बाद घरेलू तो खुद से टोटके मन करने ना शुरू कर दीजिएगा ताकि वो आपकी स्किन और मजीद खराब से खराब होती रहे बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। so और इसी के साथ नाजरी नहीं आ लेंगे छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ ही रहिएगा